वार्ता में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच जम्मू कश्मीर प्रांत की प्रांत मंत्री अक्षी भिलोरिया जी हैं। हमारे बीच जम्मू कश्मीर प्रांत की प्रांत सहायक मंत्री चाहत आनंद जी हैं। अरमान खजूरिया जम्मू महानगर मंत्री, आगे की कार्रवाई के लिए अक्षी जी नमस्ते। आज की जो प्रेस वार्ता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, उसके इस वर्ष जो है 75 वर्ष पूरे हुए और हमारा जो अधिवेशन होता है, राष्ट्र अधिवेशन हर साल होता है, वो इस वर्ष जो है 7 से 10 दिसंबर को दिल्ली में होना तय हुआ है, जो कि अमृत महोत्सवी अधिवेशन के नाम से हम लोग इसको मनाने वाले हैं। 69th अधिवेशन ये जो है विद्यार्थी परिषद का होने वाला है और इस पूरे अधिवेशन में पूरे दुनिया से और पूरी कंट्री से जो है 10,000 के करीब छात्र छात्राएं सम्मिलित होंगे और इस अधिवेशन की शोभा बढ़ाएंगे। और इस अधिवेशन में इस बार विशेष बात ये है कि ये जो अधिवेशन हमारा है, इसमें जो 4 दिन का रहने वाला है और ये 4 दिवसीय अधिवेशन जो है दिल्ली में रहेगा, इसमें हमारी मुख्य बात ये है कि इसका जो टेंट हाउस सिटी हमने बनाई है, वहाँ पर एक टेंट हाउस सिटी जिसमें ये पूरा अधिवेशन पूर्ण होने वाला है, उसका नाम जो है हम लोगों ने लेट श्री मदन दास द्विवेदी जी, जो संघ के बहुत ही विशिष्ट जो है संघ के प्रभारी रहे हैं और उनका सफर जो है वो विद्यार्थी परिषद से शुरू हुआ था, उनके नाम पर इस टेंट सिटी का नाम रखा गया है। और इसी के साथ ही जो पूरे 10,000 विद्यार्थी आने वाले हैं वो अपने आप में ही एक बड़ी अनोखी बात है। और इस अधिवेशन में शोभा यात्रा निकाली जाएगी जो दिल्ली में ही रहेगी और 10,000 विद्यार्थियों की शोभा यात्रा होना तय हुई है, तो ये एक लैंडमार्क जो है वो हिस्ट्री में बनने वाला है। इसी के साथ ही हमारा जो स्टूडेंट्स, पूरे इंडिया से स्टूडेंट्स जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, वहाँ की परिस्थितियाँ और वहाँ की ज़मीनी हकीकत को अनुभव करने के लिए वो सभी विद्यार्थी जो है 5 नवंबर से गुवाहाटी में उनका ये सफ़र शुरू हुआ था, जो कि सारे नॉर्थ ईस्ट को कवर करने वाला है और 20 नवंबर को उनका ये सफ़र जो है गुवाहाटी में ख़त्म होगा और वापस वो जो है दिल्ली अधिवेशन में मिलेंगे। ये भी एक बहुत ही अनोखी चीज़ होने वाली है और बहुत ही एक अपना अनुभव वो लोग जो है इस राष्ट्रीय अधिवेशन में साझा करेंगे। और इसी राष्ट्रीय अधिवेशन का जो है पोस्टर विमोचन जो है आज करने के लिए ये प्रेस वार्ता रखी गई है। आज हम आप सबके समक्ष जो है हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन का पोस्टर लॉन्च करेंगे और सभी विद्यार्थियों को और शिक्षकों को तहे दिल से आमंत्रण देते हैं कि वो इस अधिवेशन में भाग लें और इस अधिवेशन की शोभा बढ़ाएं। और पूरे जम्मू कश्मीर से भी इस अधिवेशन में 190 के करीब विद्यार्थी जो है वो सम्मिलित होगा, तो अपने आप में ही एक ऐतिहासिक जो है अधिवेशन इस वर्ष जो विद्यार्थी परिषद का वो होने वाला है। अभी हम लोग पोस्टर लॉन्च के लिए भारत माता की जय, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सभी का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन।